हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और भाई मैं भी बढ़िया हूँ, पहले से बेटर फील कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट करके पूछ रहे थे, मैसेज कर रहे थे इंस्टाग्राम पे कि अभी आपकी कैसी तबीयत है। अभी बेटर फील कर रहा हूँ, टाइफाइड में थोड़ा टाइम लगता है रिकवर होने में ना। तो और मैंने अपनी इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगाई थी कि आप लोग मेरे से क्वेश्चन पूछो, मैं जवाब दूंगा। तो मतलब मैं ये बेस्ट ज़रिया है कि मैं आप लोग तक अपने मतलब आप लोग के क्वेश्चन का जवाब दे सकूँ यूट्यूब पे ना, हर चीज़ का। क्योंकि इंस्टाग्राम पे 250-300 क्वेश्चन मतलब स्टोरी मेंशन कैसे करूँगा, कैसे बताऊँगा। तो आप जिनके भी क्वेश्चन थे वो यहाँ देख लेना और आपको आंसर मिल जाएगा उन क्वेश्चन का ना। सभी का क्वेश्चन का मोस्टली जिनका कोलैब करेगा उनका एक ही मतलब अलग अलग तरीके से पूछोगे, जैसे स्टेमिना कैसे बढ़ाई या फाइटिंग में स्टेमिना कैसे बढ़ाई, वो एक ही चीज़ है। तो उनका भी जवाब मैं इसमें दे दूँगा। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। कमेंट करके बताओ सही जा रहा है या नहीं, अच्छी क्वालिटी आ रही है, क्या कमी है क्या नहीं है। आप कमेंट करके बताओ कि बिल्कुल, बस गालियाँ मत देना क्योंकि गालियाँ सुनना पसंद नहीं है, ना मैं देता ना मैं सुनता। मतलब आपस में थोड़ी बहुत चल जाती है, पर ऐसे नहीं है कि कोई सामने से आके दे, अच्छा नहीं लगता है। तो बने रहो वीडियो में। भाई मैं किसी की आईडी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि आपके ना यूज़र नेम बहुत अलग अलग डिफरेंट से हैं, डेविल 001 है ना, पता नहीं कैसे कैसे नाम है। तो मैं ऐसे ही बस क्वेश्चन पढ़ता हूँ और आप देख लेना किसने पूछा है। डू यू गाइज सेल्फ ट्रेन और डू यू हैव अ कोच हु गाइड्स यू? हाँ तो भाई हमारे अभी कोच हैं, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के हैं अभिषेक परियार सिंह, जो कि बेस्ट हैं अभी तक। और दूसरे कोच जो हमारे क्योर्गी के हैं, आमिर खान सर हैं, जो कि अच्छे इंडियन ताइक्वांडो एथलीट हैं, मतलब अच्छे थे अपने टाइम पे और अभी इंडिया में भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो हम इनके अंडर इनकी गाइडेंस में अभी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो भाई अगला क्वेश्चन है, क्या आप अभी पीस ताइक्वांडो में? हाँ भाई, ये समझ लेना जिस दिन मैंने पीस अकेडमी छोड़ी उस दिन शायद मेरा करियर ताइक्वांडो का आधा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ से ही पूरा सपोर्ट मिलता है। और मैं अगर यहाँ से चला जाता हूँ तो मतलब मेरा जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो बिल्कुल डाउन है, तो मुझे यहाँ से थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है इससे जो है ना। तो यही सब चीज़ें हैं, मैं अभी भी स्टिल पीस अकेडमी में ही हूँ और आगे भी कोशिश करूँगा कि मैं यहीं रहूँ। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रैक्टिस में एनर्जी नहीं आती, क्या करूँ? बाय द वे लव यू, लव यू डू ब्रो। अगर प्रैक्टिस में एनर्जी नहीं आती तो मतलब आपका डाइट थोड़ा सा वीक है। आप अच्छा खाना खाओ, ठीक है, बहुत ज़रूरी है अच्छा खाना, जिस आपकी रिकवरी बहुत ज़रूरी है। पर दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि आपको पता नहीं है कि एनर्जी स्टेमिना की वजह से तो डाउन नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि मैं भी जब पहले करता था तो ऐसा हो जाता है ना कि दस दिन ट्रेनिंग कर ली, 10 दिन नहीं करी, फिर 10 दिन वापस आ गई। ये नहीं करना है, एक कंटिन्यू एक ग्राफ में रहना है। तो ऐसे आपका ड्यूरिंग ट्रेनिंग एनर्जी भी बढ़ेगा और स्टेमिना भी बढ़ेगा। हम मेरे भी पहले यही रहता था, क्योंकि मैं भी आप लोगों के बीच से ही आया हूँ ना कि यार एनर्जी नहीं आ रही ट्रेनिंग में, एनर्जी नहीं। अगर मैं रोज़ एक लेवल अप करूँगा अप करूँगा अप करूँगा तो मेरी एनर्जी लेवल भी बना रहेगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, हाउ डू यू सो परफेक्ट? भाई मैं परफेक्ट नहीं हूँ यार, मैं परफेक्ट बनना भी नहीं चाहता, भगवान थोड़ा ना बनना है, इंसान हूँ। मतलब मैं बनना, मैं अभी ट्रेनिंग कर रहा हूँ परफेक्ट, मतलब कि अभी पूरा परफेक्ट नहीं हुआ हूँ, पर हाँ कोशिश कर रहा हूँ कि मेहनत कर रहा हूँ कि हाँ बन जाऊँ। डिड यू स्लीप वेल? नहीं भाई, मैं बहुत कम सोता हूँ, कम पता नहीं क्यों सोता हूँ, मुझे नींद नहीं आती है, शायद इस वजह से नहीं आती क्योंकि मुझे करियर की बहुत ज़्यादा टेंशन है। टेंशन नहीं बोल सकते उसको, फोकस बोल सकते हैं मेरे हिसाब से। मैं सोचता हूँ कि इसका सोल्यूशन कैसे निकल सकता है, अगर मुझे कुछ भी चीज़ करना है, अगर मेरे प्लान्स हैं, मैं उनका सोल्यूशन ढूंढता रहता हूँ कि कहीं से ये चीज़ जुगाड़ हो जाए, ये चीज़ जुगाड़ हो जाए, इसको ऐसा कर लूँगा तो ऐसा हो जाएगा। तो मैं इसको इसलिए मैं बहुत कम सोता हूँ, इसलिए मेरे नीचे आँखों के नीचे डार्क सर्कल वगैरह भी तुम्हें देखने को मिलेंगे। और इस ताइक्वांडो इज सेफ प्ले बिकॉज पीपल से दैट ताइक्वांडो इज़ डेंजरस? भाई बहुत डेंजरस है ये, मैंने भी बहुतों के दांत तोड़े हैं, मेरे खुद के दांत टूटे हैं, आपको दिखता भी होगा, ठीक है, यहाँ निशान भी दिख रहा होगा आँख पे, नाक पे, ठीक है, अभी तक भी नहीं ये सही हुआ उंगली। तो डेंजरस तो है भाई गेम ताइक्वांडो, पर सेफ भी है, प्रोटेक्टर मिलते हैं तुम्हें, एक अच्छा मतलब एक अगर रूल्स के हिसाब से खेलोगे, रूल और रेगुलेशन के हिसाब से, तो मेरे हिसाब से सेफ भी है। और बस यही है सेफ भाई, डेंजरस तो सारे गेम होते हैं, कोई भी ले लो आप, बॉक्सिंग अगर आप मार्शल आर्ट में आ रहे हो तो डेंजरस तो सारे हैं, सब में मार पड़ती है भाई। हाउ मेनी टाइम यू स्पेंड ऑन ताइक्वांडो डेली? भाई पूरा दिन ताइक्वांडो में ही चला जाता है मेरे तो यार,
मतलब मैं उठता हूँ तो ताइक्वांडो सोचते, अपना एडिटिंग करूँगा तो ताइक्वांडो की बात आएगी, ठीक है, इंस्टाग्राम चलाऊँगा उस पर ताइक्वांडो आता है, फिर व्लॉग बनाऊँगा उसमें ताइक्वांडो आता है। बस एक संडे मिलता है जिस दिन मैं कुछ नहीं करता, पर उस दिन भी मैं अपने बारे में ही सोचता हूँ, अपने करियर के बारे में, जो कि है ही ताइक्वांडो के ऊपर। नेक्स्ट टूर्नामेंट भाई, नेक्स्ट टूर्नामेंट अभी कोई है ही नहीं आसपास, COC आएंगे, चैम्पियन ऑफ चैम्पियन की सीरीज आएंगी, उनमें ट्राई करेंगे, उनमें खेलेंगे। कैन यू सेंड मी योर नंबर? ना यार, ऐसा नहीं कर सकता भाई मैं, आप लोग फिर गाली पटकाते हो यार, छूटते ही भयंकर। पहले किसी ने मेरा नंबर, पता नहीं किसी के पास है, अभी भी बहुत सारे फ़ोन आते हैं, चेंज करूँगा मैं वो नंबर, तब आपको ये नंबर दे दूँगा, आप इस पर तब कोऑर्डिनेट कर लेना। आपके हाथ भाई, मेरी उंगली में चोट लगी थी, आप इतना ध्यान देते हो, इतनी अच्छी तरीके से व्लॉग देखते हो, थैंक यू यार। मेरी उंगली में चोट लगी थी बहुत ज़्यादा तो नहीं, बस ये स्वेलिंग कर गई थी, अभी ठीक है, थैंक यू सो मच इतना ध्यान रखने के लिए। आप दिन में कितने घंटे ट्रेनिंग करते हो? हाउ मैनी आवर्स डू यू ट्रेन वीकली? भाई मुझे समझ नहीं आया क्वेश्चन पूछ रहे हो, कितने घंटे वीक में ट्रेनिंग करते हो, तो कितने घंटे हो जाएंगे, अराउंड हो जाएंगे, अगर दिन में 6 घंटे हैं तो 6×5=30 घंटे, एक हफ्ते में 30 घंटे ट्रेनिंग करते हैं, कुछ इतना ही अराउंड नहीं हो जाएगा भाई। मैं मेन से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, जिसमें गालियाँ वालियाँ लिखी है वो कम कर रहा हूँ। इन विच ईयर यू डिड स्टार्ट? भाई मैंने प्रोफेशनल, मतलब ऐसे स्कूल में हॉबी तो की थी मैंने, हॉबी में ले लिया था ताइक्वांडो 2014-15 के आसपास, और मैंने प्रोफेशनली जो शुरू किया 2018 में किया, और वो भी पीस ताइक्वांडो अकेडमी में किया, और इसलिए मैं अभी भी यहीं हूँ, तब से मैं यहीं हूँ, मतलब कर रहा हूँ। एज भाई मेरी एज है अभी 22-23 साल का होने वाला हूँ, तो बर्थडे विश कर देना कॉमेंट्स में ना। सर एक बार फाइट हो जाए? हाँ भाई हो जाए, आ जाओ अकेडमी में, वैसे भी इंटरनल चैंपियनशिप हो रही है, मैं तो खेल नहीं रहा हूँ क्योंकि यार टाइफाइड हो रहा है अभी, बट आप आ सकते हो, और भी एथलीट सारे सीनियर मिलेंगे आपको खेलने के लिए। भाई हाउ टू सेव स्टेमिना एंड ऑल्सो गेट पॉइंट ड्यूरिंग फाइट? भाई आपको मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, अगर आपका जो ये पॉइंट है ना, इसमें मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, कि अगर आप स्कोर में आ गए हो, अगर मैं 4 स्कोर में आ गया हूँ, तो मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ, कैसे अवॉइड कर सकता हूँ, ठीक है, कैसे अगर मेरे से 2 स्कोर ले रहा है या 3 स्कोर ले रहा है, मैं तुरंत कैसे उस चीज़ का जवाब देके दोबारा स्कोर ले सकता हूँ, तो ये सारा खेल मैनेजमेंट का है। आप अगर मैनेजमेंट सीख गए तो आपको ये प्लस पॉइंट हो जाएगा आपका ना, आपका स्टेमिना भी बच जाएगा और सब कुछ हो जाएगा। भाभी जी कैसी हैं? भाई इस मैटर में मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि कोई है ही नहीं, और घर वालों के उससे चलना है, हमें घर वालों के मार्गदर्शन पे चलना है, वरना घर वाले घर से निकाल देंगे अगर कुछ ऐसा करेंगे, तो वैसे ही घर वाले नहीं काटते हैं, तो उसमें पूछेंगे भी नहीं, ठीक है। ओलंपिक कैंप कैंसिल क्यों हो गया? भाई सम रीज़न जो कि मुझे भी नहीं पता है, और क्योंकि सामने वाले जो कोचेज आने वाले थे उनके पास अभी टाइम नहीं था, तो इस वजह से वो कैंसिल हो गया है। ब्रो हाउ यू मैनेज योर एक्सपीरियंस? एक्सपेंसेस यार मैं थोड़ा कभी कभी गलत पढ़ देता हूँ। भाई मैं कैसे मैनेज करता हूँ मैं बता देता हूँ, कि जैसे कंपटीशन जाता हूँ तो मैं एक पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ, फ्रीलांसिंग भी करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा स्पॉन्सरशिप से पैसा आ जाता है, मतलब मैं अपनी एंड से खुद ही सब कुछ करता हूँ, घर से बहुत कम सपोर्ट है मुझे, और मैं मांगता भी नहीं हूँ। अगर मुझे भगवान ने 2 हाथ 2 पैर और 1 दिमाग दिया है सोचने के लिए, 2 आँखें दी है देखने के लिए, बोलने के लिए दिया, तो मैं इसका यूज़ करता हूँ, ठीक है, ऐसे नहीं कि खाली पड़ा रहता हूँ, मतलब खाली टाइम में भी बस सोचता रहता हूँ कि इसका सोल्यूशन क्या निकल सकता है, तो मैं वही कर रहा हूँ। ये नहीं है कि मैं 1 मिनट भी बैठा हूँ, और अभी अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो इसमें भी एक फ़ायदा है मेरा कि आप लोग मेरी बात सुन रहे हो, तो उससे पैसा, तो मतलब मैं ये चीज़ें सोचता हूँ, ये चीज़ें करना चाहता हूँ, तो ऐसे करके मैं मैनेज कर लेता हूँ। कभी थोड़ा सा पैसा फ्रीलांसिंग से आ जाता है, ठीक है, ऑनलाइन ट्रेनिंग दे देता हूँ, ऑफलाइन ट्रेनिंग दे देता हूँ, और कभी स्कूल में ट्रेनिंग दे देता हूँ, कभी इंस्टाग्राम से प्रमोशन मार देता हूँ, तो इन चीज़ों से मैं अपना मैनेज कर ले, मतलब कुल मिला के बात यह है कि भाई मैं खुद अपना खर्चा उठा रहा हूँ, खुद के पैरों पे खड़ा होने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और खड़ा हूँ, और इसमें मेरा बहुत सपोर्ट करती है अकेडमी, बहुत जगह सपोर्ट करती है। विच इज़ योर फेवरेट किक? भाई सबको पता है कौन सी है यार, आप कहाँ क्या पूछ रहे हो यार, आप एक ही तो किक है मेरी फेवरेट जो मैं मारता हूँ। यू आर माई फेवरेट एथलीट सर, आई ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम लाइक यू इन TKD। बिल्कुल भाई, मेरे से भी अच्छा बन जाओगे यार आप, अगर ऐसी सोच रखोगे ना, ऐसा माइंड सेट रखोगे कि भाई एक अच्छे एथलीट को फॉलो करना,
ऐसा माइंडसेट रखोगे तो बिल्कुल। मैं भी अच्छे एथलीट्स को फॉलो करता हूँ, जैसे कि हमारे इंडिया में सुरेंद्र भंडारी सर हो गए और सौरभ शर्मा सर हो गए, जो अच्छे अच्छे एथलीट्स हैं मैं उनका एटीट्यूड उनका बिहेवियर कॉपी करता हूँ, जैसे कि अमन का ध्यान सर हो गए। इन लोगों को ना फॉलो करो, इनको इनसे सीखो। सीनियर सीनियर होता है भाई, चाहे वो आपसे एक साल बड़ा हो दो साल बड़ा हो मैटर नहीं करता है, सीनियर सीनियर होता है, उसको इतनी रिस्पेक्ट दो, उनसे सीखो, उनका एक्सपीरियंस लो, ये सब चीज़ बहुत मैटर करती है लाइफ में ना। तो बनोगे अगर आपके अंदर ऐसा माइंडसेट, आपका ऐसा बिहेवियर, ऐसा एटीट्यूड है ना, तो एक दिन ज़रूर आप मेरे से भी अच्छे बनोगे, जैसे अब आप मेरे से पूछ रहे हो आपसे भी कोई पूछेगा, अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा तो। फेस की ट्यूटोरियल, भाई मैं भी ट्यूटोरियल से दूर रहना चाहता हूँ, क्योंकि ट्यूटोरियल बनाने में बहुत टाइम लगता है, और अभी मैं अपना करियर मतलब खेलने पे फोकस करना चाहता हूँ। जब कोचिंग की बारी आएगी तो मैं कोचिंग के साइड भी ज़रूर जाऊँगा। राम राम भाई, सारे ना राम राम भाई। भाई ये मैं ये मैसेज नहीं पढ़ूंगा कि यार यू आर द बेस्ट सर, आप बेस्ट हो, मतलब ये तो बिग फैन सर, ये तो मुझे आपको पता ही है, मोस्टली सभी है। मैं सबको यही बोलूँगा कि दिल से धन्यवाद, आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल बहुत बहुत मतलब बिल्कुल बॉटम ऑफ माय हार्ट डाई, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू डैम ब्रो, थैंक यू। व्हाट इज़ योर एज भाई? 22 साल बताया था आपका। आप कौन सी वेट कैटेगरी में खेलते हो? भाई मैं 58 में पूरी कोशिश कर रहा हूँ खेलने की, बट अभी 63 खेलता हूँ, क्योंकि 95 से 63 आना ये जर्नी बहुत टफ है मेरे लिए। मेरा वेट उतना नहीं है, मेरा जो बोन वेट है बहुत ज़्यादा हैवी है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं 58 ट्राई करूँ, क्योंकि 68 में मेरी हाइट थोड़ी सी रह जा रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे पास वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, हाइट का इशू पड़ता है, पर इतना भी नहीं पड़ता है कि भाई रह जाए, पर हाँ एक पॉइंट है ना कि एक पॉइंट प्लस पॉइंट में आ जाएगा मेरा, अगर मैं 58 में आ जाऊँगा तो एक प्लस पॉइंट हो जाएगा मेरे लिए कि मैं अच्छा कॉम्पीट कर सकूँ। हाउ टू बी अ गुड फाइटर लाइक यू, कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। अगर मेरे अंदर मैं बोलता हूँ, अगर मैं अपना गेम जीतता हूँ ना तो 75% कॉन्फिडेंस, और फिर उसके बाद जो स्किल है मेरी, मैनेजमेंट है, वो सब उससे जीतता हूँ। तो बिलीव करना खुद पे, बिलीव और कॉन्फिडेंस मेरे हिसाब से उस टाइम पे सेम ही होंगे। हाउ टू लूज वेट भाई? अलग अलग पॉइंट्स है ये ना वेट लूज़ करने के, जैसे कि अगर कॉम्पिटिशन के लिए आपको चार पाँच के जी कम करना है तो आप विद इन वीक में भी कर सकते हो, और अगर आपको ऐसे जनरली मतलब बिल्कुल ही लूज़ करना है कि भाई परमानेंटली करना है, तो आप ऐसा करो कि हफ्ते में 1 किलो लूज़ कर लो, मतलब डाइटिंग पूरी फॉलो करो, मेरे की तरह मत करो कि भाई 7-8 किलो चैम्पियनशिप से पहले काटना, ये चीज़ करना, ये बॉडी पे काफ़ी इफेक्ट डालती हैं, क्योंकि आप लोग तो अभी मेरे हिसाब से कर रहे होंगे, मतलब पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे होंगे इन चीज़ों को ना, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो आप मतलब ऐसे मत करना। वेट क्या है मेरा? अभी वेट जो है वो है 68 केजी, और मैं 63 खेलता हूँ, कोशिश करूँगा कि अगले कॉम्पिटिशन 58 में जाऊँ, और अभी आप मेरे चेहरे से भी लगा सकते हो अंदाजा ना कि काफ़ी भरा भरा सा हो रहा है, काफ़ी वेट बढ़ गया है, ठीक है ना। आप कब से ताइक्वांडो कर रहे हो और आप कौन से कॉलेज में? भाई मैं कोई से भी कॉलेज में नहीं हूँ, मैंने 12th के बाद एजुकेशन नहीं करी है, और मैं अभी करूँगा, मतलब अभी मैं एडमिशन लेने वाला हूँ किसी कॉलेज में, आप टेंशन मत लो भाई। बैक किक करते टाइम सीन पेन होता है, क्या करें भाई? अगर ऐसी चीज़ें होती है तो किसी को बोलते हैं कि आप स्ट्रेंथ करो, स्ट्रेंथ ज़रूरी है, जिम ज़रूरी है, खाली ताइक्वांडो से अच्छा नहीं होता कि किक मारना अच्छा, लेकिन जिम करना बहुत ज़रूरी है ना। इसीलिए जो प्रोफेशनल एथलीट है वो एक टाइम जिम सेशन लेते हैं और एक टाइम ताइक्वांडो सेशन लेते हैं। कैन वी टॉक एंड टेल योर प्रैक्टिस आवर्स? भाई बताया मैंने, 6 घंटे हमारा ट्रेनिंग होता है दिन में, सुबह 3 शाम को 3। आई वॉन्ट टू मीट यू सर, भाई आ जाओ यार, बिल्कुल अर्जुन टीकेडी। मैं किसी मतलब ये अच्छा सिंपल सा नाम लग रहा था, वरना बहुत करके भी हैं वो सारे ना, समझ नहीं आती यूज़र नेम। भाई आप आ जाओ, अगर आपको मिलना है अकेडमी में आ जाओ, वरना कभी किसी कॉम्पिटिशन में ज़रूर मिलेंगे आपसे ना। टेल अस अबाउट योर लाइफ। मेरी लाइफ बहुत स्ट्रगल वाली चल रही है अभी, बहुत चीज़ें सक्रीफाइस कर रहा हूँ मैं अपनी लाइफ में, और मतलब ये बहुत बड़ा टॉपिक है कि मैं अपनी लाइफ के बारे में अगर बताऊँ, अभी तक तो वो बहुत ही टफ चल रही है, टफ फेज में हूँ कि मेरा यूट्यूब काम नहीं कर रहा है, इंस्टाग्राम काम नहीं कर रहा है, कहीं से पैसा नहीं आ रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही है, ताइक्वांडो में भी एक जगह आके रुक गया हूँ,
तो ये अभी बहुत टफ है मेरे लिए सिचुएशन, बट बाकी कोई नहीं, गिव अप नहीं करेंगे, ठीक है भाई। स्पीड कैसे इंक्रीज़ करें भाई, अगर आप एक ही स्पीड में किक कर रहे हो ना और आपको पता है कम आ रही है, तो उससे ज़्यादा करने की कोशिश करो। और दूसरी चीज़ ड्रिल्स होती हैं इसमें ना, कि आपको कौन सी ड्रिल करनी चाहिए। जैसे कि खाली, अगर मैं बता देता हूँ कि अगर हमें छोटी छोटी मसल्स होती हैं हमारे ना जॉइंट्स के आसपास, उन चीज़ों को एक्टिवेट करना होगा, तो उसके लिए एक प्रॉपर प्लान चलता है, और मैं उसको पूरा ब्रीफिंग नहीं कर सकता अभी, आपको उसको बैठ के समझाना पड़ेगा बिल्कुल, एक एक एक्सरसाइज बतानी पड़ेगी, तब जाके किकिंग इम्प्रूव होती है। हाउ टू बूस्ट अप स्टेमिना बाई डाइटिंग, बहुत बहुत ज़रूरी डाइटिंग है इसमें, और ट्रेनिंग, दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आपको कितने ईयर हो गए प्रैक्टिस करते भाई? मुझे 5 साल हो गए पीस अकेडमी में करते हुए ट्रेनिंग ना। आर यू आर कमिंग इन भरतपुर इन टूर्नामेंट ऑन 27? नहीं भाई, माय फेवरेट प्लेयर आप आकाश भैया, थैंक यू आकाश जी, आपका भी नाम आकाश है, क्या करें, इट्स आकाश, इट्स अंडरस्कोर फुल स्टॉप आकाश 1। प्लीज़ भाई कुछ बात किया पाऊँ मैं? भाई मैं आपकी बात बिल्कुल समझ नहीं पाया, और आप मुझे पर्सनली DM करें, आपने जो लिखा है मेरी समझ नहीं आया, शायद आपने थोड़ा आपका स्पेल गलत हो गया है। भैया उस्ताद जी ट्रेनिंग नहीं करवाते हैं क्या? भाई उस्ताद जी अभी ट्रेनिंग नहीं करा रहे हैं, क्योंकि उस्ताद अपनी कंट्री गए हैं और उनको वापस आने के लिए वीज़ा नहीं मिल रहा है। होप वो जल्दी आ जाएं, हम उनको बहुत मिस कर रहे हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे अपने उन्होंने मुझे खड़ा किया, अगर मैं यहाँ बोल रहा हूँ, उन्होंने मुझे बोलना सिखाया, कैमरे को कैसे फेस करना है, कैसे उन्होंने मेरी इंस्टाग्राम ID बनाई, मुझे बताया कि क्या पहना, मैं तो उनको मैं ओवरऑल बताऊँ ना, तो एक वो भी एक ज़रिया है, मतलब वो भी एक वो इंसान है जिसने मुझे खड़ा कर दिया मेरे पैरों पे ना, तो मैं चाहता हूँ, मैं उनको बहुत मिस कर रहा हूँ, पर होप वो जल्दी वापस आ जाए, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए। भाई ये आपका LNDSTAR पूछ रहे हैं कि क्या बड़ा है? नहीं भाई, सारी डजंट मैटर, इसको छोड़ो इस क्वेश्चन को ना भाई। मुझे भी ताइक्वांडो के किक की टिप्स एंड ट्रिक्स बता दो भाई, इसी के लिए एकेडमी ज्वाइन करना होता है गाइस, ये टेक्निक टॉक्टिक्स के लिए ही तो एकेडमीज बनी है, साई बनी है, पर मैं बोलूँगा कि आप एकेडमी आओ, हम आपको सारी चीज़ें बता देंगे। अब मैं इंस्टाग्राम पे आपको क्या ही समझा सकता हूँ, यूट्यूब पे हम आपको क्या ही समझा सकता हूँ, अगर आपको एक अच्छा एथलीट बनना है तो ये सब चीज़ें एक ना प्रोसेस में आती हैं, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ेगी। वाई आर यू सो क्यूट? डैम ब्रो, क्यों आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके DM नहीं करते मेरे को, इसमें क्यों लिख रहे हो? करो सीधा सीधा ऐसे DM करो, कमेंट्स किया करो, थोड़ा अच्छा लगे मैं ज़्यादा फील नहीं ले रहा हूँ, होप ये मतलब मेरे व्लॉग्स मेरे पापा ना देखे तो ही सही है, वरना बहुत गालियाँ पड़ेगी, ये क्या कर रहा है तू बोलते तो है नहीं वो कभी, पर फिर भी लव यू ब्रदर, लव यू टू ब्रदर। वट इज़ द ताइक्वांडो अकेडमी नेम? वट इज़ योर ताइक्वांडो अकेडमी नेम? मेरे हिसाब से पीस ताइक्वांडो अकेडमी है, क्योंकि मेरी बायो में भी वही पढ़ा है यार, आप लोग इतने टाइम से फॉलो कर रहे हो, आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि कौन सी अकेडमी, स्टडी और ताइक्वांडो को कैसे मैनेज करूँ प्लीज़ बता दो। मैं नहीं कर पाया आज तक मैनेज, पर मैं बता दे रहा हूँ आपको, आप कर सकते हो अगर, क्योंकि आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है ना, कि भाई आपको पैसा नहीं कमाना है, ठीक है, आपको जैसे कि दो ऑप्शन है, आप पढ़ाई कर लो और ताइक्वांडो कर लो, या पैसा कमा लो या ताइक्वांडो कर लो, या पैसा कमा लो पढ़ाई कर लो, तो आपके पास यही दो ऑप्शन है, आप क्या कर सकते हो अभी, आप देख लो, मैनेज हो जाएगा तुरंत ऐसे हो जाएगा। जैसे कि मैं पढ़ाई छोड़ के ताइक्वांडो में आया था, मैं एक साल कुछ नहीं किया, सिर्फ ताइक्वांडो किया, और बस ताइक्वांडो ही किया, पढ़ाई भी नहीं किया, फिर मुझे पता चला कि पढ़ाई करूँगा तो ताइक्वांडो नहीं कर पाऊँगा, ताइक्वांडो करूँगा तो पढ़ाई नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि पैसा भी कमाना था मुझे, खुद के पैरों पे खड़ा होकर ताइक्वांडो भी ग्रो करना था अपना, तो मैंने दूसरा ऑप्शन किया, पैसे भी कमाए और ताइक्वांडो भी किया, ठीक है, आप कर सकते हो, इतना मुश्किल नहीं है, आप दिन सुबह 2.5 घंटे ट्रेनिंग करोगे, शाम को 2.5 घंटे करोगे, 1 घंटा बीच में एक्स्ट्रा ट्रेनिंग कर लोगे, तो मतलब 6 घंटे हो गए, फिर 24 घंटे में से 6 घंटे घटा दो तो कितने हो जाएंगे, 19 घंटे हो जाएंगे ना, 24 में से 6 घटाएंगे 18 बचेंगे, क्या पीछे बैठे हो, क्या कर रहे हो आप, कैलकुलेशन ही कर लिया करो।
तो 18 घंटे क्या करोगे, 18 घंटे में से चलो आप 8 घंटे सो गए, 10 घंटे बचे, 10 घंटे में से 5 घंटे खाना पीना रहना धोना सोना सब हो गया, तो सब कुछ भी हो गया ठीक है। कितनी देर की वीडियो हो गई, 20 मिनट 20 मिनट की हो गई ये। हाँ। गाइज बाकी के वीडियोस आप बाकी के जो क्वेश्चन है वो मैं सेव कर लेता हूँ ठीक है, और 20 मिनट की वीडियो डालूंगा तो आप कैसे देख पाओगे इतने सारे सवाल ना। चलो मैं फिर भी एक बार ना जल्दी जल्दी कर देता हूँ। आप नंबर पूछ रहे हो ये नहीं बता सकता। आप कोलकाता कभी आओगे? बिल्कुल कोलकाता आएंगे, आप हमें बुलाओ और हम ज़रूर आएंगे। वेयर डू यू लिव, फुल एड्रेस प्लीज़। क्या थिएटर है क्या भाई, क्या करेगा एड्रेस जान के यार, मेरे दोस्त मेरे जिगरी, पीस ताइक्वांडो अकेडमी में आओ, सुबह साढ़े छः बजे से 9 बजे तक मिलूँगा अकेडमी के अंदर, और उसके बाद पीस ताइक्वांडो इवनिंग में मिलूँगा आपको मैं 5:30 से 8:30 तक ठीक है। इस बीच में आप कभी मिलने आ सकते हो, एड्रेस क्या ही दूँ मैं आपको। यूट्यूब पर वीडियोज़ डेली कब से डालोगे, डेली डल रही हैं यार, आप बस कमेंट लाइक करो शेयर करो जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो। भैया किक में पावर लानी है, किक में पावर लाने के लिए आपको जिम करना बहुत ज़रूरी है और जान से मारना बहुत ज़रूरी है। ये देसी नुस्खे बताऊंगा, कोई ऐसे लॉजिक नहीं बताऊंगा पीछे का ना। पहला चीज़ है जिम, अगर आपको पावर से मारना है जिम, आपके पैरों में स्ट्रेंथ होने बहुत ज़रूरी है ठीक है। दूसरी चीज़ आपको टेक्निक पता होना चाहिए कि किस टेक्निक से कौन सी किक मारनी है। तीसरी चीज़ आपके अंदर जान होनी चाहिए उस तरह की, आपको डाइट होनी चाहिए आपकी उस तरह की ना। हाउ टू प्रैक्टिस खेलो इंडिया, भैया रूल्स बता दीजिए। रूल्स के लिए आपका मैं बता देता हूँ, अगर आपको ताइक्वांडो के रूल्स नहीं पता है तो फिटिस्तान करके एक चैनल है ताइक्वांडो का, आप उस पर जाके रूल्स और रेगुलेशंस की पूरी वीडियो देख सकते हैं, उस पर पूरी वीडियो पड़ी है ताइक्वांडो की ना। डज द हार्ड वर्क वर्थ, हाँ क्यों नहीं भाई, सामने बैठा तुम्हारे इंसान हार्ड वर्क करके ही यहाँ तक आपको ज्ञान दे रहा है ठीक है ना, करता है काम। योर हाइट, मेरी हाइट 170 सेंटीमीटर है और काफ़ी 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 छोटी है मेरे हिसाब से। हाउ यू किक योर सिग्नेचर किक, छोड़ो यार भाई, वेट लूज यूजर नेम मत दिखाना भाई, मैं तेरा आंसर ही नहीं दूंगा यार, यूजर नेम तो बहुत दूर की बात है, पता नहीं क्या लिख रखा है भयंकर। वेयर आर यू फ्रॉम ब्रदर, यूपी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ज़िला शामली, वहाँ से हूँ, ग्राम पठानपुरा। और मेरे जितने भी भाई शामली के हैं, इस वीडियो को देखो लाइक करो कमेंट करो, मेरे यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर लो फॉलो कर लो यार, मुझे एक ऐसा बोलना है कि ताकि मेरे इधर के लोग मुझे जान सके। सब बढ़िया सब बढ़िया सब बढ़िया भाई। सर आई एम वेरी बिग फैन, सर आप भी एक ताइक्वांडो प्लेयर हो, मैं भी एक ताइक्वांडो प्लेयर हूँ, मुझे भी स्टेट के बाहर खेलना है तो मैं क्या करूँ? तो भाई आप क्या कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ आप क्या कर सकते हो। आप डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट अपने कोच से पहले पूछो आपका कोच क्या बोल रहा है, आप अपने कोच से बात करोगे वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपके कोच को पता है कि कैसे क्या खेलना है क्या नहीं खेलना है तो सही है, अगर आपके कोच को नहीं पता है कैसे स्टेट जाते हैं कैसे नेशनल जाते हैं कैसे इंटरनेशनल जाते हैं तो आप एक प्रोफेशनल अकेडमी ज्वाइन करो, कोई भी अकेडमी हो सकती है, ज़रूरी नहीं पीस अकेडमी, पर पीस अकेडमी आओगे तो आपके लिए बेस्ट है। आप लखनऊ कब आओगे, जब आप बुलाओगे, ये कोई पूछने की बात है क्या हो गया, ओए ओए क्या हो गया भैया, न्यू आर्म गार्ड शिन गार्ड लेने हैं भाई। अगर मेरे पास कोई कॉन्टैक्ट ऐसा नहीं है कि जिसमें मैं आपको बता सकूं न्यू आर्म गार्ड शिन गार्ड कहाँ से लो आप, बट कोशिश करूंगा कि जल्दी मेरे पास कोई आ जाए कॉन्टैक्ट जिसमें मैं कर लूँ। हु इज़ योर इंस्पिरेशन एंड व्हाट इज़ योर एम, मेरी इंस्पिरेशन कौन है, मेरी इंस्पिरेशन है भाई, मेरी इंस्पिरेशन कौन हो सकता है, मैं खुद भाई, क्योंकि जिन जिन हालातों से मैं लड़के मेरी इंस्पिरेशन कौन है, मैं खुद भाई, जिन जिन हालातों से मैं लड़के आया हूँ ना यहाँ तक, मतलब फाइनेंशियली से इमोशनली और जिन जिन मैंने जो जो सिचुएशन देखी है उनसे तो मैं खुद को ही मानता हूँ अपना इंस्पिरेशन ना। और ये ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हूँ इस चीज़ को बोलने में ना, पर यही बात है। और मेरा भाई मेरी ज़िंदगी का एम ये नहीं है कि भाई मुझे ओलंपिक्स मेडल मारना है, नहीं मुझे एक ऐसा साम्राज्य खड़ा करना है मतलब ओलंपिक का भी एम है ऑब्वियसली बात है। और बस ये तो मैं ऐसी हवाबाजी के लिए बोल रहा था,
मैं उसके लिए मेहनत भी करता हूँ और कोशिश करूँगा कि मैं उसको अचीव करूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। और एक प्लास तामुली करके है एक लड़का ना, वो मुझे से बोल रहा है कि आप क्या दूसरा काम भी करते हो क्या? हाँ भाई दूसरा काम भी करता हूँ, आप आओ, टाइट है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जब आप आओगे बिल्कुल हम आपको 25,000 रुपीज़ नो डिस्काउंट। भैया यू आर माई इंस्पिरेशन, थैंक यू सो मच भाई। अभी तक कितने गोल्ड आए हैं भाई, मैं कभी काउंट नहीं किया। बचपन में क्या करता था, मेडल आता था ना, कोई भी मेडल आए तो मैं और मेरा दोस्त होते थे तो हम ऐसे घुमाते थे मेडल को कि देखे तेरा ऊपर जाएगा या मेरा ऊपर जाएगा, ऐसे कंपटीशन लगाते थे। तो मतलब वो सब चीज़ें कभी ध्यान ही नहीं दी कि इनका मतलब बचपन क्या, जब सेवन्थ एट्थ नाइन्थ टेंथ ये ऐसी क्लास थी जिसमें ना ये सोचते थे कि जल्दी बड़े हो जाएं, और बड़े क्यों हो जाएं ये पता नहीं, बस बड़े हो जाएं, हमें हवाबाजी करनी है, दादागिरी करनी है। ठीक है ये चीज़ हमें रह गए, तो ऐसे बड़े दिखाने के चक्कर में जो मेडल मिलते थे कभी उनकी वैल्यू नहीं करी, ऐसे उड़ा दिए, क्योंकि तब पता ही नहीं था, तब ज्ञान ही नहीं था इस चीज़ का। आप कौन सा वेट कैटेगरी खेलते हो? क्या बैक किक वॉल पर मारने से बैक किक की पावर बढ़ जाएगी? नहीं भाई, बैक किक की पावर ऐसी नहीं बढ़ेगी, बैक किक की टेक्निक होती है मारने की। ऐसे अगर दीवारों पे मारने से किक इम्प्रूव हो जाती, पावर इम्प्रूव हो जाती, तो आज मैं भी यही कर रहा होता, अपने घर तो अकेडमीज नहीं होती। तो एक टेक्निक होती है मारने की, ठीक है, और उस वो आपको तभी पता चलेगा जब आप किसी की गाइडेंस में ट्रेनिंग करोगे। प्लीज़ फॉलो मी भाई। हाँ एक ये बस लास्ट है, लास्ट दो तीन क्वेश्चन है, इनका मैं जवाब देता हूँ, मतलब है तो बहुत सारे, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये इतने सारे भरे पड़े हैं जो मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोग का मैं अगर रिप्लाई कर देता हूँ, आप लोग सोचते हो कि आपको मैं मतलब मेंशन बैक नहीं करता हूँ इंस्टाग्राम पे ना, तो उसका रीज़न ये है कि अगर मैं आपको मेंशन कर देता हूँ ना इंस्टाग्राम पे मेंशन बैक, तो आप मेरी मैसेज लिस्ट में आ जाते हो, फिर आप इतने मैसेज करते हो कि आपको यार पास एटीट्यूड आ गया है, आप रिप्लाई नहीं करते। अब आप मुझे बताओ, अगर दिन में मेरे पास 10 बंदों के मैसेज आएंगे, मैं 10 बंदों को रिप्लाई करूँगा, फिर उन 10 बंदों के पास मेरे मैसेज आएंगे, तो मतलब मेरा कितना टाइम मतलब वो हो जाएगा, बिज़ी हो जाऊंगा ना मैं, कि भाई सबसे बात करना सबसे। मैं कोशिश करता हूं कि जो जिसका जो क्वेश्चन हो उसका अच्छा जवाब दे दूं, फिर वो बंद करते, लेकिन फिर आप आ जाते हो कि यार भाई आप फॉलो नहीं करते हो, आप फॉलो करा लिए हो, आपके अंदर एटीट्यूड आ गया। नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है यार, कुछ भी नहीं ऐसा, ये ना आप समझो। आप कोई है कि मुझे ब्लॉक करना पड़ता है, मुझे अपना भी नोटिफिकेशन ऑफ करना पड़ गया ना, एक बार किसी को स्टोरी पे मेंशन बैक कर दो तो उसमें रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है, फिर अब मैसेज पे मैसेज ऐसे 20-30 मैसेज आ जाते हैं, कॉल करते रहते हो, वीडियो कॉल करते रहते हो, जो कि अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से ना। तो ऐसा मत किया करो यार, अगर आपकी मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ ना, तो ऐसा मत किया करो यार। और कोई क्वेश्चन? एनी एडवाइस बिफोर चैम्पियनशिप? हाँ भाई, कॉन्फिडेंस और बिलीव रखो अपने ऊपर और अपनी स्किल्स पे, जो अपनी पॉजिटिव वाइब्स हैं उनको रखो बाहर, अंदर कुछ मत रखो अपने, लोगों से बात करो। और दूसरी चीज़, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो किसी भी चीज़ का कि भाई मुझे जीतना है, मैं जीत जाऊँगा तो ये हो जाएगा, हार जाऊँगा तो ये जाऊँगा, नहीं मैं सीख जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, ये अगर थॉट रखोगे ना तो आप सही रहोगे। ये एडवाइस है आपके लिए ना। क्या हाल है चैम्पियन? बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा बढ़िया। ठीक है भाई, तो दोस्तों कुल मिला के क्वेश्चन ये था, ज़्यादा आया था हमारे स्टेमिना के ऊपर, फाइटिंग के ऊपर, और कुछ पर्सनल थे, तो मैंने होप सबका जवाब दे दिया हूँ। मैं दोबारा अगले हफ्ते फिर एक ऐसी स्टोरी लगाऊंगा, तो आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगली बार प्लीज़ अपना नाम ना, पहले अपना क्वेश्चन लिखना, फिर उसके नीचे अपना नाम लिखना। यूज़र नेम मेरी बिल्कुल समझ नहीं आता, devil00520 है, और क्या आता है कि बैंकर XOXOXO पता नहीं क्या नाम रखे हैं बैंकर, सिंपल नाम रखो यार। ठीक है, बाकी इस वीडियो करते हैं ख़त्म, होप आपको पसंद आया है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जो भी हैं कर दो, और अगर किसी का जवाब नहीं दे पाया हूँ तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताओ कि किसी का सवाल अगर रह गया हो तो। बाकी अगले व्लॉग में मैं जितने भी अभी तक मेरे यूट्यूब पे कमेंट्स आए, मतलब जितने भी मैंने तभी 2 व्लॉग्स डाले हैं उसमें जो कमेंट्स आए उनका रिप्लाई भी अगले व्लॉग में मैं कर दूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ do subscribe my YouTube channel and share with your friends, family, teammates and
उनसे भी बोलो कि कर ले, बेल आइकन को भी दबा ले, क्योंकि अभी मुझे आप लोगों को बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।